अशोक, आज इनसे बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे। कितना वजन था आपका उस टाइम? 104 किलो। आज कितना? 75 के जी इनका वेट हो गया है। जैकेट देखो आप, क्या स्टाइल जैकेट सिलवाई है। जो लोग हमारे ग्रुप्स में हैं, उस ग्रुप्स के अंदर इनके रेगुलर फोटोग्राफ्स आती हैं। इनकी पुरानी फोटो शायद किसी ने देखी नहीं होगी, अगर देखी होगी कुछ ने देखी, जो ग्रुप में डाली उन्होंने, जो ग्रुप्स में है लोग अगर देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही मिस्टर अशोक हैं जो 4 महीने पहले आए। कुछ अपने बारे में बताइए। पीपल एक्सेल मेरे को आता था, मेरा साइज जो मिलता नहीं था, मिलता क्या था, जो दुकानदार ने देख दिया मजबूरी में पहनना पड़ता था। और आज मीडियम साइज का जो है, मतलब मेरे बेटे को जो साइज आते हैं आज वो मेरे को आता ना, ये चल पाता था पहले। एक एक सेंटेंस का मतलब आप समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए, उसके लिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए। मेहनत की इन्होंने उसकी, बाकी चीजों में खाना खिलाया लगता है, उसमें एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है, किसी के अंदर ताकत ही नहीं है। मतलब देशराज क्या यार, नौ चीनी डाला नहीं क्या? जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप बिल्कुल क्लैपिंग करिए, इससे इससे बेसिकली हमारा हौसला बढ़ेगा। जितना तो बड़ा हुआ ही है, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम तो जा रहे करेंगे। पहले होता क्या था, मैं 15-20 मिनट लगातार खड़ा भी नहीं रह सकता था, और आज जो है सुबह 10 किलोमीटर की वॉक पे जाता हूं, बीच बीच में गोलियां लगाता हूं, 10 किलोमीटर सुबह 4 किलोमीटर शाम को, और 10 किलोमीटर सुबह और 4 किलोमीटर शाम, 14 किलोमीटर चलते हैं। हाँ बिल्कुल भी नहीं चला सकता, थोड़ा सा दूर चलते ही मतलब घुटने दर्द करने लगाते थे, थकान इतनी हो जाती है। अभी इससे पहले जो उन्होंने बताया था अपनी स्लाइड में, उससे आप इसको कोरिलेट करेंगे। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत फैट है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वाइटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, ये सारी जिनका वजन बढ़ जाता है उनके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके बाल अपने डाई करें कि ये वैसे ही काले हो गए? ज्यादा जो है हेयर ग्रोथ होने लग गया था, और थोड़ा स्प्रे ज्यादा हो गया, उसको इसे मेहंदी लगाई। और कुछ नहीं बताना चाहते आप? खुशी मतलब इजहार नहीं कर पा रहे आप? क्या उसी का इसका क्या बोलूं सर, मतलब आप लोग ने इतना चेंज कर दिया है मेरे अंदर, मैं सोच भी नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, उस टाइम पे एक गिलास जो है गर्म पानी लेता हूँ, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं घूमने निकल जाता हूँ। आने के बाद 7:15 बजे के करीब जो है एक कप ग्रीन टी, 10-12 बार आपको भिगे हुए बादाम होते हैं, थैंक यू। उसके बाद 9 बजे करीब ओट्स लेता हूँ, ओट्स ले लो या मूसली ले लो दूध में। 11 बजे करीब जो है फिर एक सेब लेता हूँ, सेब ले ली या ओट्स वगैरह ले लिया। उसके बाद जो है ग्रीन टी, 1 घंटे के बाद ग्रीन टी। और 4 बजे करीब प्रोटीन लेता हूँ, रात में फिर जो है या तो एक सेब ले लूंगा या फिर दलिया खिचड़ी वगैरह। उसके बाद 4 बजे के बाद रात को प्रोटीन ले लिया, ठीक है, या सेब ली, रात को खाना नहीं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा से बताना है कि मैंने कुछ बहुत खास। आप 10 बार भी रोकेंगे, 1 घंटा भी बोलेंगे, बोलने के लिए बोलती तो बोल सकता हूँ। पहली बार जब आए थे तो छुप कर बैठे हुए थे, वहाँ बैठे मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, इनके अंदर इनको कॉन्फिडेंस कितना आ गया। हाँ जी, 4 महीने पहले जब आए थे तो वहाँ कोने में जाके बैठ जाते थे, और 4 महीने के अंदर वजन तो कम हुआ ही है, बीमारियां भी गई, और कॉन्फिडेंस लेवल वो कितना चेंज हो गया है। बीमारियां तो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, शुगर थी मेरे को
290 थी, 290, 285 ये रहती थी, और आज जो है खाना खाने के बाद 112, 113 ये रहती। जमीन ये कि मैं मीठा नहीं लेता, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया, जबकि मैं ले लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ तो उसके बाद जो है 8-10 किलोमीटर जरूर चलता हूँ, किलोमीटर बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए जरा, सब लोगों को डाउट रहता है ऑपरेशन के बाद ना कमजोरी आ जाती है, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, क्या कारण है? जो प्रोटीन रेगुलर नहीं लेता उसको कमजोरी आएगी, और जो प्रोटीन लेता है रेगुलरली 10 किलोमीटर डेली चल सकते, और उससे पहले कितना चलते थे? 15 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, थकान हो जाती थी, घुटने दर्द करने लग जाते थे, मतलब सारा दिन बैठ बैठ जाओ, चलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरे को तो आज तक हाँ ओवर डाइट लोगे तो हो सकती है, जहां मेरे को ये महसूस हो गया कि मेरा पेट भर गया वहीं पे छोड़ दिया, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही भी आज तक वोमिटिंग की मेरे को दिक्कत नहीं, कभी ज्यादा लिया नहीं, ओवर लिया नहीं। एक बार दोबारा से प्रोटीन वाला सब कुछ समझ में आ गया, मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली चौथी बार पूछवा रहा हूँ, प्रोटीन छोड़ेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल कमजोरी है, प्रोटीन गड़बड़ है कोई? नो नो यार, चॉकलेट वाला फ्लेवर देना आगे, उसकी वजह से तो मतलब जो है जो आप प्रोटीन खाने में उसमें नहीं ले सकते, तो ये डायरेक्ट प्रोटीन है इसको ले लिया बहुत बेटर। दूसरी चीज आपने पूछी वॉमिटिंग वाली, आपको कितनी बार वॉमिटिंग आई है आज तक? एक बार भी। कभी ऐसा लगा आपको कि पेट फूल गया, गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गई? ओवर डाइट आज तक नहीं, एक बार करी थी मैंने करीबन 2 महीने के बाद, वो जैसे ही जो है डकार के साथ ही हुआ, वापस आ रहता है जैसे हुआ था, वोमिटिंग नहीं हुई। लेकिन आपको ये समझना पड़ता है, अभी समझिए इस बात को, ऑपरेशन के बाद आपको समझना पड़ता है आपका जो पेट है ना वो उसका कैपेसिटी चेंज होता है, एक पाइप है इतना बड़ा वो छोटे पाइप में तब्दील हो गया है, उसके अंदर उसी तरह से पानी नहीं डाल सकते आपको धीरे धीरे डालना है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा लगता है कुछ लोगों को कम, एक दो बारी में समझ में आ जाता है ये चीज। जी वो ये जो डेली रूटीन में दाल लेते हैं हम एक कटोरी, वो प्रोटीन है या वो नहीं? अलग से प्रोटीन लेते हैं जो आप रूटीन लेते हैं वो जो दाल है, हम रेगुलर वो भी प्रोटीन है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है अभी। जी वो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपने वहाँ से लेना है, वो दाल में प्रोटीन है वो तो आपने लेना ही है, अगर आप अंडा लेते हैं तो एक वाइट लेना है, जो नॉन वेज खाते हैं उस महीने बाद उसका तरीका चेंज हो जाता है वो आपने लेना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको अभी चाहिए उनके पास प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शन है, उनको पता नहीं अभी बताऊंगा आपको, सारी हरी सब्जियां, सोयाबीन, पनीर सब प्रोटीन से भरे हुए हैं, इवन चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन है उसके अंदर। हमारी गलत फहमी रहती है कि हम नॉन वेज खाएंगे तो ही प्रोटीन आएगा हमारे पास, बल्कि हमने ये देखा है कि जो नॉन वेज बहुत ज्यादा खाते हैं उनको फिशर, फिस्टुला, बवासीर ये सारी बीमारियां होती हैं, साथ में पेट के कैंसर उन्हीं लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं, वेजिटेरियन में इसके चांसेस बहुत कम है। ये रूटीन स्टडीज है हर जगह की, जो जापान है जहाँ पर ये सारी चीजें ज्यादा खाई जाती है उनको ऊपर का कैंसर होता है, अफगानिस्तान वाले लोग इतने आते हैं ऊपर का कैंसर, नीचे का कैंसर, डाइट से रिलेटेड है वो सारी। और कुछ कोई जानना चाहता है? ये दोबारा पकड़ में नहीं आएंगे, नहीं पानीपत से आता है ना कॉन्ट्रैक्टर, है कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो बिल्डिंगें बनाएंगे अपना, नहीं सारे होटल्स बनाएंगे, यहाँ पे कहाँ पाएंगे? नहीं आप तब भी बुलाएंगे बिल्कुल, आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी चेंज हुई है। जी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपको कभी यकीन नहीं होता कि अब मुझे ज्यादा भूख लगी है, जैसे आपने बोला कि मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी, कई बार होता है कि मैंने एक एप्पल खा लिया अब लग रहा है कि थोड़ी सी और भूख लगी है, खा लीजिए, मतलब कि हम खा सकते हैं? लेकिन अगर आपको कभी जैसे हम एकदम से चीज छोड़ देते हैं, जैसे कि हैबिट होती है किसी को ज्यादा खाना खाने की, अब ऑपरेशन के बाद एकदम से आपको मतलब कि आप कर तो सकते नहीं है, हमने इजी इजी किया तो धीरे धीरे स्लो स्लो काम किया था कि जैसे कैसे डाइट, 3 महीने तक तो बिल्कुल उसी डाइट पे चला जो डॉक्टर साहब बताया, मैम ने जो बताया था, उसके बाद जैसे मेरे को क्वेश्चन पूछा इसका आंसर साथ साथ में देखिए, उसके बाद जैसे ही मेरे को जैसे भूख लगी, जरूरी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ही खावा, okay. जब आपको भूख लगी उसी टाइम में, ज्यादा पेट भर के नहीं, ठीक है? चीज आपने क्या पूछी कि भूख वाली बात दोबारा सुनिए, मतलब कि जैसे कि हमें होता है ना कि अभी हमने एप्पल खा लिया है 15 मिनट बाद हमें फिर से होता है कि हमें कुछ खाना है, बस यहां पे अब जो नॉर्मल डाइट है
जिनका वजन ज्यादा है, जिनका भी वजन ज्यादा है या बड़ा है, उनकी बॉडी की डाइट चेंज हो जाती है, जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे जितना मर्जी खा लो पेट नहीं भरता है। अभी इमोशनल ईटिंग की बात कर रहे थे ना, इमोशनल ईटिंग और नॉर्मल ईटिंग में क्या फर्क है? नॉर्मल ईटिंग में फर्क है आपको भूख लगी आपने खाना खाया, इमोशनल ईटिंग में क्या है कि आपका पेट भरा हुआ फिर भी आप खाए जा रहे हो, क्योंकि आपको जो नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए खाना खा लेंगे तो इससे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। आप खाए जा रहे हो, बस मन नहीं करा खा लिया, और सबसे ज्यादा ये रात में होता है, दिन में नहीं होता। दिन में तो ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच भी नहीं करा, मैंने तो कुछ खाया नहीं पूरे दिन, रात में भी आपने एक थोड़ा सा खाया, फिर जब जब सो गए सब लोग, आप उठे, आपने फ्रिज खोला, उसमें से कुछ सीधा अंदर, किसी को नहीं पता वो, और सब जब लोग मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि ये तो कुछ खाते ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? लेकिन अगर आप सही खाएंगे, अगर आप सही खाना खाएंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी डाइट मिस नहीं करेंगे, कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। जो लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं वो डिनर बड़ा हैवी करते हैं, और फ्रिज में खाली रखिए फ्रिज अपना, फ्रिज में कुछ उल्टी सीधी चीजें होनी ही नहीं चाहिए, रात में फ्रिज खाली होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें चॉकलेट नहीं पड़ी हुई है, कहीं पर पेस्ट्री पड़ी हुई है, कहीं पे चिप्स पड़े हुए हैं, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, मेल्स के लिए अल्कोहल पड़ी हुई है, और रात में ही सारा कुछ कार्यक्रम हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना है, जो डिनर है वो लाइट करना है सोने से 3 घंटा पहले। तो जब आप डिनर 3 घंटा पहले करेंगे तो हजम हो जाएगा जब तक आप सोएंगे, अगर आप डिनर हैवी करेंगे तो सोने के बाद एक तो वजन बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया आपने, और सुबह भूख नहीं लगेगी आपको, ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगी। तो पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं आप? 9 बजे 10 बजे 4 बजे कब होते हैं सबसे ज्यादा? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्ली मॉर्निंग जो है उसमें आपको आफ्टरनून के टाइम सबसे ज्यादा लगनी चाहिए, सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं उस टाइम, आपने खाना नहीं खाया होगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा आपका, कुछ भूल जाएंगे, फिर जहाँ पे भी लोग काम करते हैं उनके बॉसेस वगैरह सब उनके पीछे लगे हुए हैं, कुछ मिस हो गया फिर वो डिप्रेशन आएगा, फिर आप कुछ उल्टा सीधा पकड़ा और खा लिया, छोले भटूरे मंगा लिए, उधर से एक समोसा ले लिया, स्नैक्स खा लिए। अभी आप हैरान हो जाएंगे कि जो एक स्नैक्स है, एक स्नैक्स का पैकेट, वो अराउंड 7 रोटी के बराबर है, एक रसगुल्ला 3 रोटी के बराबर है, एक समोसा 3 रोटी के बराबर है। ये चीजों से पेट भरना नहीं है आपको, रोटी से पेट भरना है, रोटी सब्जी सुबह ब्रेकफास्ट घर से करके आइए, डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट एनी टाइम। और कुछ चीज आप जानना चाहते हैं? अभी मैं वेट कर रहा था, हमारे उड़ीसा से इतनी दूर से एक पेशेंट आए हैं, रेखा जी, डिप्रेशन से भी क्या वेट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। पहले आपके लिए सब सब जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत दिन ट्रेन में लगा के आए हैं ये, बाकी लोग तो चंडीगढ़ पानीपत और आसपास के हैं, लेकिन आप तो उड़ीसा से आए हो, मेघालय, मेघालय एक और अच्छी चीज आपने पूछी, थोड़ा सा आपसे जब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे इसको। पहली चीज आप बैठिए, हेवी वेट इनका होता है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, फिर मैडम के क्वेश्चन। आपके रोल मॉडल हैं, आ जाओ जरा इधर, वी वांट यू टू प्रेजेंट हिम। या श्योर। आपने भी जो इमोशनल ईटिंग की बात की है, देखिए हमारी बॉडी का ना मेटाबॉलिज्म है, मैंने एक रोटी खाई, आपने एक रोटी खाई, मेरी हजम हुई, आपकी हजम नहीं, इसका क्या फर्क है? एक तो जेनेटिक्स का फर्क होता है थोड़ा सा, लेकिन हम सिर्फ जेनेटिक्स को ही दोष देते हैं कि हमारे घर में सबका वजन ज्यादा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है हमारी जीन्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें जो आती है कि जेनेटिक्स तो है, लेकिन एनवायरमेंट आपके हाथ में, एनवायरमेंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, ये आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको तेज कैसे करना है, तेज करने के लिए आपने फास्टिंग नहीं रखनी बहुत ज्यादा। जब आप फास्टिंग करके खाएंगे ना तो फिर वो वजन जो है आपका वो बढ़ेगा, अगर आप रेगुलर मील्स खाएंगे तो आपका बॉडी इसको इस्तेमाल करेगी साथ साथ साथ, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक बारी में कुछ भी नहीं खाएंगे, दो मील में और तीसरी मील में बहुत ज्यादा अगर खाएंगे
तो वो इस्तेमाल नहीं होने वाला क्योंकि सब सो रहे हैं अपने आराम से, किसी को जगाया नहीं आपने। आपको हर ऑर्गन को बार बार जगाना है, हर दो घंटे बाद जगाना है। ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, फिर 11 बजे कुछ खाया, फिर 1 बजे कुछ खाया, फिर 4 बजे कुछ खाया, फिर 6 बजे कुछ खाया। अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे और आप शाम को 6 बजे खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। आपने खाया उतना ही है जितना पूरे दिन में पार्ट्स में खाते थे, उतना ही आपने एक बारी में खाया है, लेकिन वो हजम नहीं हुआ क्योंकि बॉडी ने उसको इस्तेमाल ही नहीं करा, उसको आदत ही नहीं है। उसको आदत डालने के लिए आपने कोई भी डाइट मिस नहीं करनी, और हर डाइट पे हर दो दो तीन तीन घंटे में आपने कुछ कुछ लेना है जिससे बॉडी उसको इस्तेमाल करती रहे। जिन लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया। फिर क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म सुबह को कुछ टाइम तक भूख नहीं लगेगी, 6 घंटे 10 घंटे तक। फिर जब भूख लगेगी तब आप जो खाओगे वो हजम नहीं होगा, फिर भूख नहीं लगेगी 6 से 10 घंटे। तो अल्टीमेटली जो आप खा रहे हैं पूरे दिन में, अगर पार्ट्स में उतना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि फिर आप वॉकिंग भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही बार खा रहे हो और पूरे दिन नहीं खा रहे तो आप ना वॉकिंग करेंगे, एक्टिविटी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी आपको बोल रही है कि आराम करो, मुझे भी आराम करने दो, आप भी आराम करो। ब्रेन को जगाना है।